नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज में, हूँ आपके साथ पवन तिवारी। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं बुलेटिन। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में अमित शाह ने एसपीबी पर बोला हमला, कहा बहनजी और बबुआ के शासनकाल में यूपी की अर्थव्यवस्था हुई चौपट, कहा दोनों के शासनकाल में गरीबों के लिए नहीं हुआ कुछ भी अच्छा। पश्चिम बंगाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 16 फरवरी से खुल जाएंगे राज्य के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। सरकार ने कहा कोविड-19 के केस हो चुके हैं कम, इसलिए लिया गया है छात्रों के हितों में फैसला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सीबीआई की कोर्ट ने पाया दोषी, भेजे जाएंगे जेल। वहीं इसी मामले में 24 अभियुक्त को किया गया बरी। महाराष्ट्र के मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अंडरवर्ल्ड से जुड़े गए लोगों के 10 ठिकानों पर की छापेमारी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना के बंद पड़े घर पर भी की गई छापेमारी। वहीं बदमाश छोटा शकील के रिश्तेदार को लिया गया हिरासत में, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। यूक्रेन पर रूसी सेना द्वारा हमले की आशंकाओं के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय से आया बड़ा बयान, कहा सेना अपने ठिकानों पर लौट रही है वापस। वहीं रिपोर्ट्स में किया गया दावा सेना ने सामान समेटना कर दिया है शुरू। आईपीएल की मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को लेकर सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने दिया बड़ा बयान, कहा वह हमारी टीम के लिए नहीं है फिट, हमने अपनी टीम की संरचना पर किया काम, कहा रैना की कमी टीम को खलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से शुरू हो रही T20 इंटरनेशनल सीरीज को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, ऋषभ पंत को बनाया गया भारत टीम का उपकप्तान। वहीं चोट के कारण एक बार फिर भार हुए वॉशिंगटन सुंदर। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे का नया पोस्टर हुआ रिलीज, अक्षय कुमार ने खुद किया शेयर, कहा आपको हंसाने डराने और रुलाने आ रहा है बच्चन पांडे। वहीं फिल्म का ट्रेलर 18 फरवरी को होगा लॉन्च और 18 मार्च को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। मिर्जापुर स्टारर विक्रांत मैसी ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर से की शादी, दोनों करना चाहते थे बड़ा फंक्शन, कोविड-19 के चलते घर में ही रजिस्टर की गई शादी। शेयर बाजार में फिर दर्ज की गई तेजी, सेंसेक्स 1736 पॉइंट से बढ़कर 58,142 और निफ्टी 509 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,352 पर हुई बंद। ये थी दिन भर की 10 तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।